बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपका अपना ही YouTube चैनल सुजी टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप आधार कार्ड नंबर डालकर घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, यानी कि आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं लिंक है। आप अपने घर बैठे बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ एक आधार कार्ड नंबर डालकर कि राशन कार्ड से लिंक है कि नहीं लिंक है, मैं आप यही चेक करने वाला हूं, ठीक है। जिस तरह मैं फ्रेंड्स लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं, सेम टू सेम उसी तरह आप अपना चेक कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स अगर राशन कार्ड नंबर याद नहीं है तो आप आधार कार्ड नंबर डालकर ही आप राशन कार्ड का नंबर पता कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको फैमिली में किसी का भी फ्रेंड्स पता करना हो कि आधार सीडिंग है कि नहीं, यानी कि आपके फैमिली में किसी का भी नाम आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है, सब कुछ ऐसी वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखने को तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको आधार कार्ड नंबर डालकर राशन कार्ड से लिंक है कि नहीं लिंक है चेक करके बताता हूं। सिंपल सी फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक है या नहीं है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको प्ले स्टोर में सर्च करके बता दे रहा हूं कि किस तरह से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर ले रहा हूं और यहां पे मैं आपको अपना प्ले स्टोर में सर्च करके आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा एप्लीकेशन है। तो यहां पे सिंपल सी आपको फिर सर्च करना है मेरा, ठीक है, राशन। जैसे इतना सर्च कीजिएगा तो मेरा राशन सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे ये वाला जो इंटरफेस होगा, इस वाला एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है मेरा राशन, ठीक है, इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है मेरा राशन को। तो चलिए इसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको, ठीक है। इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, जैसे कि मेरे यहाँ पर ऑलरेडी मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो यहाँ पर मैं आपको ओपन करके बता दे रहा हूँ। जैसे इसको ओपन करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर सिंपल से आपको अलाउ ऑनली पे क्लिक कर देना है, फिर से यहाँ पे ग्रांट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ से आप परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से ओके करके मैं आपको ओपन करके बता दे रहा हूँ। ग्रांट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कीजिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे सामने इस एप्लीकेशन का डैशबोर्ड ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आधार कार्ड से राशन कार्ड मेरा लिंक है कि नहीं है, इसके लिए इसे जांचने के लिए सिंपल सी इस वाला ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ वाला जो है आधार सीडिंग, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड और आधार कार्ड नंबर दोनों डालने के लिए बोला जाएगा, तो कोई एक डाल करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालिएगा, फिर भी आपको डिटेल्स बता देगा कि आपका राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है या नहीं, या राशन कार्ड नंबर डालिएगा फिर भी आपको आधार कार्ड बता देगा कि आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक है या नहीं, ठीक है। तो चलिए सिंपल से आधार सीडिंग पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट है राशन कार्ड पे, तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है। और राशन कार्ड नंबर नहीं है आपके पास तो सिंपल से यहाँ पर आपको आधार कार्ड पर इस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। आधार नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है और सिंपल से यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास राशन कार्ड नंबर है नहीं तो मैं आधार नंबर ही डालकर पता कर ले रहा हूँ। तो चलिए मैं अपने फैमिली के किसी का भी आधार नंबर डाल दे रहा हूँ, आपको जिनका चेक करना है उनका भी डाल सकते हैं, नहीं तो किसी का भी उस कार्ड का नंबर, उस कार्ड में जितना भी नाम है उसमें से किसी का भी आधार नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक आधार नंबर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपना आधार नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दिया हूँ, ठीक है। और सिंपल सी मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक करूँगा तो हमको यहाँ पर मेरा जो है इंटरफेस होगा कुछ पूरा डिटेल्स में आ जाएगा यहाँ पे, और जिसमें मेरा राशन कार्ड नंबर भी रहेगा और मेरा आधार राशन कार्ड में जितना नाम है वो सब रहेगा, और जिनका भी आधार कार्ड नंबर जुड़ा होगा उनका नाम रहेगा, सीडिंग बताएगा और आधार कार्ड नंबर भी बताएगा, और नहीं रहेगा उनका लिंक वो नहीं बताएगा। तो चलिए सिंपल से मैं सबमिट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ प्रोसेसिंग डाटा बता रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ी सी वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा राशन कार्ड में जितने भी आदमी का नाम है इस सब आदमी का यहाँ पे नाम ये शो हो गया, और सामने जो जिनका भी सब राशन कार्ड नंबर में जिनका भी इनका नाम है उनका सामने यहाँ पे देख सकते हैं आधार सीडिंग में। आप यहाँ देख सकते हैं कि आधार सीडिंग में यस यस लिखा हुआ है, यानी कि जितना भी यस लिखा हुआ है सब आदमी का यहाँ पर आधार कार्ड मेरा राशन कार्ड से लिंक है, ठीक है। अगर
लिंक जिनका नहीं रहता उनका नो रहता, लेकिन यहाँ पे सब किसी का मेरा यस है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से मेरा लिंक है, ठीक है। तो इस तरह से आप आधार कार्ड से चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका राशन कार्ड नंबर भी यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे देखते हैं कार्ड नंबर बता रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कोड होता है FFS ID, ये भी यहाँ पे शो होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे आपका स्टेट का नेम रहेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम रहेगा, तो सब कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और राशन कार्ड नंबर भी डालिएगा तो आपका सेम यही प्रोसेस आएगा, यही सब कुछ डिटेल्स आएगा, और आधार नंबर भी डालिएगा तो यही डिटेल्स आएगा। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड नंबर डालकर या राशन कार्ड नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में राशन कार्ड लिंक है या नहीं, यानी कि आधार आपके राशन कार्ड में आधार कार्ड आपका लिंक है कि नहीं लिंक है।